मोजस नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी कश्मीरी मुजाहिदीन की जानिब से इस वक्त भारतीय फौज पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। भारत दो इतराक से बुरी तरह से घिर चुका है। चीन लद्दाख में भारतीय फौजियों को मारकर वीडियो जारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ हमारे कश्मीरी मुजाहिदीन भारतीय फौज को मौत के घाट उतार कर ये वीडियो पैगाम जारी कर रहे हैं कि कश्मीर हमारा है, भारतीय फौज ने यहाँ कदम रखने की गलती की तो इसका अंजाम बुरा होगा। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि भारतीय फौज पर कश्मीर में एक बड़ा हमला हुआ और इस हमले में 5 फौजियों की मरने की तस्दीक खुद भारतीय मीडिया ने कर दी थी। भारतीय मीडिया ने ये भी दावा किया था कि कश्मीर में भारतीय फौज ने कश्मीरी मुजाहिदीन का सफाया कर दिया है, मगर कश्मीरी मुजाहिदीन ने एक ऐसी वीडियो जारी कर दी है जिसको देखने के बाद भारतीय फौजियों ने कश्मीर से भागना शुरू कर दिया है। नाज़रीन ग्रामी कश्मीरी मुजाहिदीन की जानिब से एक वीडियो शेयर की गई है जिसमें दिखाया गया है कि चंद भारतीय फौजी इनकी कैद में हैं और वो अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। पहले आप इस वीडियो को मुलाहजा करें, फिर हम इस पर बात करते हैं। हेलो, अंदर गुजारिश करन उसे डीएसपी इमाम साहब ये तो गुजारिश करन कि तो नेबर सरेंडर करियो, हथियार त्रयो पत्थर अत करियो खड़ा तो नेबर नेवे तो यू मौक दिन कि दोबारा तो आराम से जिंदगी ब्याह जिंदगी जियो। यम तरह मजाहिद अंदर फसेमित बस डीएसपी इमाम साहब तो गुजारिश करन उसे सरेंडर हनेस का तैयार तो यू तो करियो सरेंडर। नाज़रीन मोहतरम, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि भारतीय फौजी कश्मीरी मुजाहिदीन से अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद भारतीय फौज में खौफ की लहर दौड़ गई है और आपको जानकर काफी हैरानगी होगी कि तालिबान की अफगानिस्तान में शानदार फतह के बाद कश्मीरी मुजाहिदीन ने भी अपनी तहरीक को मजीद तेज कर दिया है और पिछले कुछ दिनों से भारतीय फौज पर हमलों में इजाफा कर दिया है।